देखा सासू माँ, मैंने कहा था ना कि आपका बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है। कितने प्यार से उसने मुझे रंग लगाया है। नशे का रंग है फाल्गुनी, एकदम कच्चा, पानी से धुल जाएगा। लेकिन तुम्हारे लिए नफरत का रंग जो मैंने उसके दिल पे चढ़ाया है, पक्का है, वो उतरने वाला नहीं। वो रंग नहीं है सासुमा, मैल है। और मैल कई बार सूखने पर झड़ जाती है। माफ करना बेटा, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी सुनिए, माँ जी, माँ जी, माँ जी, आप ठीक तो है ना? ये देखिए, ये है भैया, जब ये 6 महीने के। बीपी अभी भी हाई है। बुखार तो पहले से कम हो गया है, लेकिन मेरा बीपी नीचे ही नहीं आ रहा है। इनको कम से कम 3-4 दिन आराम की बहुत जरूरत है। वैसे ये हैं कौन? फिलहाल तो एक पहेली है चाची। इनके पास मैंने हाँ एक बटुआ था, ये देख, इसमें शायद कोई इनका आईडी कार्ड या कोई मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड वगैरह कुछ तो होगा उसमें। गायत्री रावत। क्या लिखा है चाची? ये एक टीचर है, बाल विहार, अनाथाश्रम है बनारस में। खुदा खैर करे, ये बनारस से जयपुर क्यों आई थी? और तो और, तेरे ससुराल की होली के बीच में कहाँ पहुंच गई?
मेरे पास तो और भी कई सवाल हैं इनके लिए। जो भी सवाल करने हैं तू उनसे आराम से पूछ लेना, क्योंकि अगले 48 घंटे तक तो मैं इन्हें कहीं जाने नहीं दे सकती। पेन किलर दिया है तो उसकी नींद का असर भी 12 घंटे रहेगा। ठीक है चाची, आप जैसे इन्हें होश आए मुझे फोन कीजिएगा, चलती हूँ, घर जाना है। अरे ले, ये भी तो घर ही है। हाँ, पर यहाँ मेरा सुरेश ड्राइवर नहीं है ना, और अब तो जहाँ वो वहीं मैं। और किसी को बता के भी नहीं आई हूँ मैं घर पर। खुदा तेरी और सुरेश की जोड़ी को हमेशा सलामत रखे, कभी किसी की बुरी नजर ना लगे। तू जा आराम से, मैं इनका ख्याल रखूंगी। ठीक है, चलती हूँ। चाय रेडी। इसे ट्राई करके देखो, शायद छूट जाए। और अगर फिर भी ना छूटे तो समझ लेना कि प्यार का रंग। देखो ना, सुरेश ड्राइवर के प्यार का रंग जो मेरे दिल पे लगा वो तो छूट ही नहीं रहा। लो, छूट गया। मैं दिल पर लगे रंग की बात कर रही थी मिस्टर सुरेश रावत, क्योंकि जब आप सुरेश ड्राइवर बनके मुझसे प्यार कर रहे थे, दिल तो यही था ना। वही दिल जो तुमने तोड़ दिया। तुम्हारा दिल मेरे पास था और मेरा तुम्हारे। जो दिल टूटा है वो तुम्हारा था या मेरा, इससे पता? पुत्रा, अगर तुम्हारे टैप पे स्टॉक्स नाश्ते से ज्यादा टेस्टी लग रहे हो तो थोड़ा सा बटर तुम्हारे टैप पे भी लगा देता हूँ। लाओ। मार्केट खुलने से पहले पता होना चाहिए कि पहले 15 मिनट में क्या होने वाला है, क्योंकि जो शेयर बाजार में 15 मिनट लेट आता है ना, वो कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा सकते। यही ना, ये ज्ञान मैं अपने डैड से 30 साल तक सुनता रहा, इसी डाइनिंग टेबल पे सुनते आए हैं। लेकिन उनसे कुछ सीखा नहीं आपने, जो शादी के बाद 3 साल में मैंने सीख लिया। ही वॉज अ ग्रेट मैन बिजनेस मैन ही वॉज अ ग्रेट बिजनेस मैन उत्तरा, मैं कभी भी अपने डैड से कुछ नहीं सीखना चाहता, मैं उनके जैसा नहीं बनना चाहता उतरा। चलिए छोड़िए सब बातें, वैसे भी कई साल हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। मेरे प्यारे लवबर्ड, मेरी फ्रूट प्लेट से भी ज्यादा फ्रेश लग रहे हैं दोनों। वो तो है, लेकिन डैड हमेशा फर्स्ट और सबसे फ्रेश रहने वाले मिस्टर सुरेश रावत नहीं आए, क्या बात है? कल जीजू ने 4 घंटे डांस किया था, थक गए होंगे। सूरज द सन और सुरेश द रावत साथ में उठते हैं जयपुर में। लो आगे। गुड मॉर्निंग जीजू, कल तो कमाल ही कर दिया था आपने, रंग जमा दिया था एकदम। 10 बार देखा मैंने वो वीडियो, 10 बार। छोटे, वीडियो को डिलीट कर लो। डिलीट? डील होगी, बोली लगेगी उसकी, डिलीट कर दे। अरे जीजी माँ, कल शाम को आप कहाँ चली गई थी? बिट्टू, मैं किसी से मिलने गई थी, नई क्लाइंट है मेरी, तू नहीं जानती उन्हें। ये कौन सी क्लाइंट है जिसे मैं नहीं जानती? कहा ना तू नहीं जानती उन्हें, उनका नाम है गायत्री देवी।
गायत्री देवी, ये नाम तो पहले कभी नहीं सुना, कौन है ये? सुन लो, गायत्री देवी को नहीं जानती? अरे महारानी गायत्री देवी, कूच बिहार की प्रिंसेस। बहुत खराब पीछे था। चीज़ बताओ ना, कौन है गायत्री देवी? मैंने कहा ना बिट्टू, तूने नहीं जानती। उनका नाम गायत्री है, गायत्री। ये क्या गायत्री गायत्री लगा के रखा है? चलो नाश्ता करो चुपचाप और अपने अपने काम पे जाओ। डैड, क्या हुआ? ऑल ओके? कुछ नहीं बेटा, थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। मैं बाहर लॉन में थोड़ा वॉक कर लेता हूँ। हेलो। हाँ चाची, हाँ मैं अभी आई। मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया बेटी, पर मैं यहाँ नहीं रह सकती। तुम तो मुझे जानती भी नहीं हो। मैं जानती हूँ आप कौन हैं। गायत्री जयंत रावत, आप जयंत जी की पहली पत्नी हैं। मुझे यहाँ से चलना चाहिए। रुकिए, मेरे सवालों का जवाब दिए बिना आप यहाँ से नहीं जा सकती। मेरे ससुर जी की फोटो आपके इस लॉकेट में है। कोई भी औरत किसी की फोटो को सीने से लगाकर तब तक नहीं घूम सकती जब तक वो फोटो उसके पति की ना हो। और वो बच्चा उसका अपना बेटा। मैं जानती थी कि सुयश उत्तरा देवी का खुद का बेटा नहीं हो सकता। उत्तरा देवी मुझसे इतनी नफरत करती है, फिर भी अपने बेटे की शादी मुझसे करवाई। इसीलिए ना कि वो उनका खुद का बेटा नहीं है। तुम तो सब कुछ समझ गई हो, पर एक बात नहीं समझ पा रही। अगर आप पापा की पहली पत्नी हैं, तो उत्तरा देवी उनके साथ उस घर में क्यों है? कौन है उत्तरा देवी? मेरी छोटी बहन है। तुम्हारी भी तो छोटी बहन है ना, तुम तो समझ सकती हो। नहीं समझ पा रही, आपको समझाना पड़ेगा।